बंदूक की गोली लगने से युवक गंभीर घायल हुआ। मामला श्योपुर जिले के अंतर्गत बनरगा थाने का है, जहां पर तारा सिंह मोगिया पुत्र विजय सिंह निवासी मदनपुर थाना बनरगवा बंदूक की गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बनरगवा सीएचसी से प्राथमिक उपचार के बाद श्योपुर जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। वहीं युवक की गंभीर हालत को देखते हुए श्योपुर जिला चिकित्सालय से युवक को ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। युवक के परिजनों की माने तो आपसी विवाद के बाद युवक लड़ झगड़ कर घर से बाहर चला गया था, जहाँ सड़क किनारे स्वयं के द्वारा गोली चलाए जाने पर युवक को गोली लग गई। मामले को लेकर बनरगवा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जाँच के बाद ही इस बात का खुलासा हो सकेगा कि युवक को किन कारणों से गोली लगी। कैसे चलाई थी गोली, कैसे चली? इसने सुबह दारू पी थी, उठ गई और इसकी औरत से और इनसे दोनों से खोचड़ हो गई थी। तो इसने नशे नशे में जाके और बंदूक कहीं छुपा रखी होगी इसने, तो ला बंदूक और इसने ऐसे कोर्ट से ऐसे बाउंड्री से रेखा ले गए और पैर से बंदूक चलाई है। अच्छा, तो गोली नाली आई टिका कर। अच्छा, सीने पे नाली टिकाई? हाँ, सीने पे नाली टिकाई है ऐसे। तो गोली सीने पे लगी है? हाँ, ये सीने पे लग रही है। आर पार होगी गोली? हाँ, आर पार यहाँ हो गई, ये जगह हो। क्या नाम है? मेरा नाम माल सिंह है। माल सिंह? क्या शिकारी है ये? क्या शिकार करने गया था? नहीं नहीं नहीं। तो बंदूक कहाँ से आई? बंदूक ये लकड़ी लेने गया बताया। जब ये लकड़ी काटते काटते कोई भी लोग ऐसे शिकार खेलते ही रहते हैं हमारे जंगल में, तो उनकी बंदूक कहीं छुपा रखी होगी उनने, तो इसको मिल गई होगी। काय का शिकार खेलते हैं वन्यजीवों का? हैं, और भील जाते ही रहते हैं शिकार खेलने के लिए जंगल में, चंचरी पास में। आप ये नहीं खेलता? नहीं नहीं नहीं, हमारी बंदूक थी पहले हमारे आजे की, तो वो लाइसेंस की थी, तो वो जमा हो गई पहले, तो हमने छुड़वाई भी नहीं है, कार्रवाई कर ली। किस मामले को लेकर बरगवा से आता है? मामला ये है कि ये मियाँ बीवी दोनों लड़ना बताया, शराब सवेरे शराब पी ली थी इसने, उसके बाद में जाकर वहाँ इन दोनों की लड़ाई हुई। उसके बाद में मोटरसाइकिल लेके उधर जंगल तरफ गया, उधर नाले तरफ जाके उसने बंदूक चला ली, ये बता रहा है। अच्छा, कितनी चोट लगी है इसको बंदूक की? छाती में लगी है बंदूक, ब्लेडिंग ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा। तो बरगवां से श्योपुर रेफर कर दिया इसको जी, अब यहाँ से ग्वालियर रेफर किया जा रहा है।